वालिद साहब किसान थे। मुझे हमेशा आगे देखना चाहते थे। खुद खेतीबाड़ी करते रहे लेकिन मेरे हाथ में कलम थमा दी। नौजवानी में ही घर की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। बहन भाइयों में सबसे छोटा था। लेकिन इरादों में सबसे बड़ा। इंतबाज करते ही रिश्ता आ गया और शादियों के हैदराबाद चली गई। खुदा ने औलाद से नवाजा लेकिन शौहर के साए से महरूम हो गई। माली हालात इतने बेहतर ना थे कि मैं मैट्रिक के बाद तालीम हासिल कर सकता। भाई की जहनी मजदूरी ने जहाँ फिक्रमंद किया वही सब कुछ बेहतर करने का हौसला भी मिला। मेहनत से कभी नहीं घबराता था। रेड़ी लगाना शुरू की, कभी सब्जी बेची, कभी फल फरोख्त किए, मजदूरी भी करता रहा, तालीम भी जारी रखी। शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने बेबसी जाहिर की। मैं बच्चों को लेके वापस सखर आ गई। इंटर पास करने के बाद रोजगार की तलाश में निकला। बहसियत औरत सखर शहर में मेरे लिए वसी रोजगार मिलना मुयस्सर ना था। लेकिन इरादे पुख्ता हों तो रास्ता मिल ही जाता है। अंथक मेहनत से नतीजा निकल ही आता है। इसी सोच के साथ मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अपने बच्चों का मुस्तकबिल आंखों में था। खुदा की जात पे भरोसा रखा और दुआ कबूल हुई। 2004 मेरे और सखर शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए। जेब अगरचा खाली थी लेकिन हौसला बेहिसाब था। एंग्रो ने मेरे हौसले पर लब्बैक कहा। स्कॉलरशिप मिल गई और मैं आगे पढ़ता रहा। मैं भी उन खुशनसीबों में शामिल हुआ जो अपने हाथों से इस जगह को मिलकर बना रहे थे। एंग्रो ने मेरिट की बुनियाद पर अपने दरवाजे मुझ पर खोल दिए और मैं किसी डिपार्टमेंट में बतौर फ्लोर चैंपियन हायर हुई। बेटी के दिल में सुराग था, इलाज कराने से कासिर था। एंग्रो ने मसीहाई की और जदीद इलाज के लिए कराची भेज दिया। कोई और होता तो मजदूर को फकत मजदूरी तक महदूद रखता। सुना था रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं होता और ये बात भी गलत साबित हुई। एंग्रो ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। आज मैं यहाँ यूटिलिटी ट्रेनिंग और मेरा सफर अभी जारी है। गो के मंजिल अभी दूर है लेकिन रास्ता कामयाबी का है। मैं लड़खड़ाई जरूर थी लेकिन अब कदम मजबूत हैं। मेहनत और सीखने की लगन के सबब एंग्रो ने मुझे रेडी लगाने वाले से मशीन ऑपरेटर बना दिया। महफूज हूँ, मुख्तार हूँ, आजाद हूँ और कामयाब हूँ। मुझे ये सब एंग्रो ने दिया। एंग्रो ने मुझे तहजीब सिखाई, मिलकर काम करने की और सबके साथ चलने की। एंग्रो ने मुझे मौका दिया खुद को साबित करने का। एंग्रो ने मुझे हौसला दिया जिद्दत लाने का। नतीजे की फिक्र किए बगैर मैदान अमल में आने का। मुझे हिम्मत, यकीन और बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए। शहर को रौनक बख्शने के लिए और बेहतर तब्दीली के लिए। शुक्रिया एंग्रो। शुक्रिया एंग्रो। शुक्रिया एंग्रो।